वन, आई एम रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लो एच रिया सो गाइज आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे एंड अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे सो so गाइज आज जो ये वीडियो है इसमें मैं बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट में मिनिमल लुक दिखाने वाली हूँ आई मीन आप मार्केट जाते हो मूवीज जाते हो या फिर आप कॉलेज जाते हो तो आप इस लुक को कैरी कर सकते हो बहुत ही क्विक एंड ईजी लुक है सो so गाइज़ अगर आप मार्केट या फिर कहीं जा रहे हो मूवी वगैरह के लिए सो so सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है आप अपना स्किन केयर कर लो अगर आप मूवी जा रहे हो तो स्किन केयर कर लो उसके बाद अपने ड्रेसेस वगैरह पहन लो उसके बाद आप तो अपना जो भी ये मेकअप है मैं बताऊंगी वो कर लो या फिर अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप उठो आप अपना स्किन केयर वगैरह शावर लेकर स्किन केयर कर लो एंड उसके बाद आप थोड़ा टाइम दो मेन पॉइंट है ना कि स्किन केयर और मेकअप के बीच में थोड़ा टाइम देना है हम लोगों को अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो हाँ पहले आप अपना स्किन केयर कर लो एंड उसके बाद आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो एंड उसके बाद आपको मेकअप करना है तो आप मेकअप कर लो ये वाला लुक सो so, ये बहुत ही मिनिमम होगा एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड मैंने मेरा स्किन केयर पहले ही कंप्लीट कर लिया मैंने स्किन केयर में जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं फेस वॉश टोनर सिरम सनस्क्रीन आई क्रीम जो भी मैंने यूज़ किया है उसका लिंक एंड जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी एंड उसका लिंक भी डाल दूंगी आपको अगर उसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो आप उसमें से ले सकते हो एंड वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बिकॉज मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो मैं अपनी स्किन केयर कॉम्बिनेशन स्किन के हिसाब से फॉलो करती हूँ सो so, अगर आपकी भी कॉम्बिनेशन स्किन है और फिर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है नॉट ऑयली स्किन नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आप इस स्किन केयर को फॉलो कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं उस प्रोडक्ट को तो आप बाइक कर सकते हो अगर आप मेकअप कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा प्राइमर यूज़ करो सो so, प्राइमर यूज करना कभी नहीं भूलना गाइस सो so, मैं यहाँ पे मेरी जैसी कॉम्बिनेशन स्किन है एंड ऑयली भी है लाइक like टीजो मेरा ऑयली हैंड सीजन ड्राई है सो दैट्स so, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए एंड इसको कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं विद एस पी ये मेबलिन का फिटमी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर है सो कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं सो so, वो इसको यूज़ कर सकते हैं आप अपने स्किन के हिसाब से कोई भी अगर आप मेकअप कर रहे हो तो अच्छा प्राइमर यूज़ करो आफ्टर प्राइमर आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो बट अगर आप मेकअप कॉलेज के लिए कर रहे हो या फिर आप मार्केट जा रहे हो या फिर आप कहीं भी मिनिमम चीज़ चाहते हो तो वहाँ पे फाउंडेशन और कंसीलर के लिए मैं प्रिफर नहीं करती हूँ मैं आप कोई भी बीबी और सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ईवा का ये बीबी क्रीम जो कि एंड ये बहुत अफोर्डेबल है टू फिफ्टी का ये जो बीबी क्रीम है एंड आपको अमेजोन और फ्लिपकार्टे कुछ सेल्स वगैरह चल रहे हो तो काफी कम में मिल सकता है सो so, ये बीबी क्रीम आप काफी अच्छा है अब मैं कंसीलर और प्राइमर आई मीन कंसीलर और फाउंडेशन क्यों प्रीफर नहीं करती हूँ बिकॉज गाइज अगर आप कंसीलर और प्राइमर फाउंडेशन सॉरी मैं बार बार फाउंडेशन को प्राइमर क्यों बोल रही हूँ कंसीलर और फाउंडेशन यूज करोगे तो आपको उसके लिए पहले ब्यूटी ब्लेंडर वेट करके रखना पड़ेगा फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा फिर उसको सेट करना पड़ेगा सो इतना लंबा नहीं ले जाना हमें अपने मेकअप को हमें एक सा और सीसी क्रीम यूज कर लेना है ताकि वो हाथ से भी ब्लेंड हो जाए एंड नॉर्मल वो थोड़ी सी ना आपके फेस को ना ऐसे मैट फिनिश और न्यूट्रलाइज कर दे ऐसे नॉर्मल सा

जो समर्स है ना बहुत पीक पे है तो बहुत ज़्यादा स्वेटी फील होता है मुझे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको फील नहीं होगा बट फिर भी आपको ये यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बीवी और सीसी क्रीम को सेट करने के बाद मैं जो है आप अगर आपकी फ़ेस इतनी चबी नहीं है आप बहुत ही जॉ लाइन वाले हो तो आपको कॉन्टोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बट मैं थोड़ी सी चबी फेस वाली हूँ तो मुझे ये कॉन्टोर लाइक मैं प्रेफर करती हूँ खुद के लिए आप अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो कॉन्टोर बट मैं हल्का सा पाउडर कॉन्टोर नॉट क्रीम कॉन्टोर मैं हल्का सा पाउडर कॉन्टोर कौं, जरूर करती हूँ अपने फेस पे तो मैं अभी कॉन्टोर करूँगी आफ्टर काउंटर जो लोग काउंट नहीं करना चाहते हैं या फिर जो लोगों ने काउंट किया है सबके लिए आप एक टिंट अप्लाई कर सकते हो ब्लश पाउडर ब्लश और क्लीम ब्लश <laughs> को प्रेफर ना करके मैं एक टेंट यूज करती हूँ सो so, आप लिक्विड और जस्ट लाइक क्रीम टेंट कोई भी यूज कर सकते हो लिप एंड चिक टेंट सो मैं यहाँ पर डॉटर अर्थ का ये टेंट यूज़ कर रही हूँ जो कि थोड़ा रेडिश टाइप में है चेरी शेड है इसका सो so मैं ये यूज़ कर रही हूँ मैं बहुत ही नॉर्मल चीज़ों से ऐसा चीज़ है ना ऐसा कुछ यूज़ करो आप ऐसे में ना जो कि आपको ब्लेंडर से ब्लेंड ना करना पड़े ब्रश से ना ज़्यादा करना पड़े सो so मैं बहुत ही कम ऐसे टेंट यूज़ कर रही हूँ एंड मैं थोड़ा नोज पे लगाना प्रेफर करती हूँ ये मुझे बहुत ही क्यूट लुक देता है गाइज सो मैं ये ज़्यादा हो गया क्या लग रहा है मुझे ओ माई गॉड कोई नहीं अभी ज़्यादा हो गया इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे सो so गाइज आप ऐसे टेंट पे जा सकते हो आप टेंट ऐसे यूज कर सकते हो जो आपके स्किन पे एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड आपको थोड़ा क्यूट लुक दे <laughs> को ब्लेंड कर लिया है एंड टेंट लगाने के बाद आप एक आईब्रो फिलर से अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो जो कि मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड एंड ये है ब्लू हेवन का मैं सारे प्रोडक्ट्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं आप इनको कभी भी यूज कर सकते हो तो मैं बहुत ही मिनिमम अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ लाइक रैंडमली मैं फील कर रही हूँ कोई भी लाइंस एंड ऑल नहीं बहुत ही रैंडमली ही सैड फील हो रहा है कि जो मेरा डिफाइनर के बाद वाला क्लिप था मस्करा एंड लिपस्टिक एंड सेटिंग एस का वो डिलीट हो गया आई एम रियली सॉरी गाइज बट मैं आपको स्टेप बता देती हूं मैंने आईब्रो फिल करने के बाद मेरा मस्करा यूज किया था आईब्रो थोड़ा सा लैशेज को डिफाइन करने के लिए एंड उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाया था न्यूड लिपस्टिक आप कोई भी यूज कर सकते हो मैंने जो लिपस्टिक लगाया है एन वाई का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ये शेड अच्छा लगा तो एंड कोई कोई भी आप न्यूड लिपस्टिक यूज़ करो क्योंकि आपको ये कॉलेज एंड ऑफिस एंड मूवीज़ के लिए थोड़ा न्यूड टाइप मेकअप मेकअप भी हमने वैसा ही किया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज लास्ट में आपको एक सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए आप कहीं भी बाहर जा रहे हो अब समर्स है तो आपको स्वेट होगा तो ये आपको पूरा डे लॉन्ग रखना है तो इसके लिए आप सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर यूज़ करो गाइज आई होप ये मेकअप लुक एंड जो भी स्टेप मैंने बताए हैं जैसे भी मैंने अपनी टेक्निक बताई है वो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है इस वीडियो का कोई भी क्लिप कोई भी पार्ट तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर